अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है. देखो क्वेश्चन नंबर 5, द सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट द डायमीटर. अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड सेम रेडियस इज रोटेटिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल एक्सिस. ठीक, एंगुलर स्पीड इज ट्वाइस द स्फीयर. ठीक, बोला क्या है, फिर से समझ लेते हैं. सेम रेडियस है, ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ट्वाइस. किसकी, सिलेंडर की जो एंगुलर स्पीड है वो ट्वाइस है किसकी, स्फीयर की. कुछ ऐसा ही बोला है. ठीक, देख लो, एंगुलर स्पीड ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज. तो काइनेटिक एनर्जी किसका पूछा है, देयर स्फीयर का और किसका, सिलेंडर का. ठीक, स्फीयर का इनर्शिया क्या होता है, अब काइनेटिक एनर्जी अगर तुम देखो तो क्या होती, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. बोलो होगा कि नहीं. अब क्वेश्चन में इसमें कट जाएगा, ये स्फीयर का होगा, ये सिलेंडर का होगा, ये स्फीयर का होगा, ये सिलेंडर का होगा. तो स्फीयर का क्या होता है, 2/5 mr². ठीक, अब इसको ऐसे ही रहने दो अभी. और सिलेंडर का कितना होता है, हाफ mr². ठीक, ये हो गया mr² से mr² कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो दोनों का जो रेशियो है वो आ जाएगा 4/5. ठीक, ये हुआ कि नहीं हुआ. अब यहां पे बोला क्या है कि जो एंगुलर स्पीड c की है वो ट्वाइस ऑफ ये है, तो आप यहां पर रख दो, यहां पे क्वेश्चन में ही मेंशन है. ठीक, तो यहां पे 4ws का स्क्वायर कैंसिल आउट, भाई c की वैल्यू जब रखोगे तो स्क्वायर होगा, 4 से 4 कटा तो कितना बचा, 1/5. तो इसका मतलब कौन सा आंसर, b आंसर क्या है हमारा, सही है. ठीक, नोट कर लीजिएगा.